बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, अब हम देखेंगे कैसे आता है 180 अंश होता कैसे आखिर। देखो, इसके पहले जो आपने पढ़ा था उसमें हमने आपको ये करके दिखाया था कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों अंतः सम्मुख कोणों का जो योगफल है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। इसको आपने देखा था ना पिछली क्लास में कि त्रिभुज के दो अंतः सम्मुख कोणों का जो योग है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, तो उसी को इसमें पूरा पूरा प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया है, सिद्ध करने में सबसे पहले हम ये देखते हैं दिया क्या है। हमें दिया क्या है भैया, इसमें त्रिभुज के तीन कोण दिए हैं, कोण एक दिया है, कोण दो दिया है, कोण तीन दिया है ना, यही दिया है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको D तक मिला दें तो हमारा एक कोण यहाँ और बन जाता है जो कि कोण नंबर चार बन जाता है। इसको तो मैंने अपने आप से बनाया है, फिलहाल सिद्ध हमें इसी तीनों में करना है। ठीक, इतना दिया है। कोण चार क्या है, एक बाह्य कोण है, कोण चार एक बाह्य कोण है जो कि बिंदु C को D से मिलाने पर बनता है। किसी भी त्रिभुज में छः बाह्य कोण बनाए जा सकते हैं भुजाओं को बाहर खींच खींच के, पिछली क्लास में पढ़े हो है ना। अब क्या करोगे, देखो इसमें सिद्ध करने में नीचे उत्पत्ति लिखा जाता है, अगर आप चाहो तो इसको लिख लो, बुक वगैरह में ऐसे मिलता है, या फिर मत लिखो, जैसे समझो लिख लो। ठीक है, अब क्या लिखोगे, कोण वन प्लस कोण टू, वन कोण प्लस टू इक्वल कोण फोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र होता है, इसके पहले हमने आपको सिद्ध कराया था। देखो कौन सा एक्सरसाइज था, 6.2 था, सम्मुख अंतः कोणों का योगफल बराबर बाह्य कोण होता है। लिख लो इसको, चाहे तो सूत्र है ये, एक मिनट लिखो इसको, ऐसे लिखो, देखो रेड कलर से लिख देता हूँ, मार्कर लिया मैंने अभी, ये यहाँ लिख लो, सम्मुख अंतः कोणों का योगफल बराबर क्या होता है, बाह्य कोण होता है। लिख लो, मैंने बोल दिया, आप क्या लिखूँ, सम्मुख अंतः कोणों का योग इक्वल बाह्य कोण। तो भैया सम्मुख अंतः कोण, ये कोण वन और कोण टू हैं, बोलो हैं कि नहीं। इसमें बना लो जल्दी से, आप लोग फिगर भी बनाते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वन और टू क्या हैं, सम्मुख अंतः कोण है, इनका योगफल करेंगे फोर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण एक कोण दो कोण तीन सभी का मान 180 अंश होता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री, अब कहोगे थ्री कहाँ से आ गया, दोनों तरफ कोण तीन जोड़ेंगे, यही तो इसमें हम चालाकी करेंगे। यहाँ लिख लो, दोनों तरफ कोण तीन जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ कोण तीन को जोड़ देंगे। अब क्या होगा, इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, वो कौन सा चीज़ है, आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे, कोण तीन जोड़ने के बाद इधर तो भैया तीनों कोण आ गया, एक दो तीन सब हो गया, और इधर कोण चार और क्या आ रहा है, कोण तीन आ रहा है। इतना नोट करो जल्दी से फटाफट, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए वो क्या है, तो कोण तीन और कोण चार दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। मैंने रैखिक युग्म पढ़ाया था लीनियर पेयर में, जब कोई दो कोण एक ही पड़ी रेखा पर बने हों, एक इधर एक उधर, तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। और किन्हीं भी दो रैखिक युग्म बनाने वाले जो कोणों का मान होता भैया वो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि कोण वन कोण टू कोण थ्री इक्वल क्या हो गया, 180 अंश हो गया। लिख लो जल्दी से फटाफट, बस हो गई बात ख़त्म। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए बिना देर करे हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए और पढ़ते रहिए।